ग्वालियर जिला कोर्ट में माली प्यून वॉच पे ड्राइवर और स्वीपर बनने के लिए बेरोजगारों का मेला लग गया है। यहां 15 पदों के लिए 15,000 युवा इंटरव्यू देने पहुंचे हैं। इन पदों के लिए अनिवार्य योग्यता 8वीं और 10वीं पास है, लेकिन लाइन में बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, बीएड और एमएड पास उम्मीदवार भी लगे हैं। ग्वालियर वर्तमान परिवेश में प्रदेश का युवा बेरोजगारी के दंश से पीड़ित है। हायर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के मामले में सरकार पूरी तरह विफल दिखाई दे रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण ग्वालियर में देखने को मिला। यहां न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए मात्र 15 पद की भर्ती के लिए 15,000 से ऊपर युवा इस भर्ती में शामिल हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के अंदर युवा हायर एजुकेशन लेने के बावजूद भी कितने पीड़ित। देखिए, आप ही खुद देख रहे हैं बेरोजगारी कितनी है। बेरोजगारी दिख रही है, 15 भर्ती के लिए सिर्फ इतने सारे लोग खड़े हैं। अब आप बता सकते हो कि अब इनमें से बताइए कितने की लग जाएगी, बाकी सब मायूस होके जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा इनमें से 15 की भी लगनी है। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कैसे कैसे बता, करप्शन भी ले सकते हो आप इसमें बीच है क्या। नहीं, वैकेंसी कुछ नहीं सर, अभी तो इंतजार कर रहे हैं, नंबर आ जाए हमारा, और कुछ नहीं कह सकते। अभी तो सुबह से लाइन में लगे, नंबर नहीं आया है। और क्या कहते हैं, 15 से 16 हज़ार आदमी यहाँ पर आया हुआ है, उपस्थित है, और सभी लोग चाहते हैं कि भाई सभी लोग भर्ती हों यहाँ पर, और उन लोगों को यहाँ पर काम करने का मौका मिले। कम से कम नहीं तो कंपटीशन हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, वैकेंसीज कम है। वैकेंसी कम है, बेरोजगारी काफ़ी है। क्या सरकार को क्या काफ़ी वैकेंसी निकालना चाहिए? क्या भारत में काफ़ी बेरोजगारी फैली है? नए नए नियम चला दिए हैं, जौन सी सरकार आती है अपने अपने जो भी कुछ होता है तो वे नए नए फॉर्मूले निकाल देते हैं, कोई युवा के बारे में कोई नहीं सोचता है। ग्वालियर से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।